मैं तो बेहोश हो चुकी थी, मैं बिल्कुल आउट थी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। और आज तो सबकी ईद है, तो सब लोग ईद में ही बिजी होंगे। तो चलो, विश तो मैंने कल ही आप लोगों को कर दिया था, और आज आप लोग अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। और दूसरी बात, आज हम लोग का नवरात्रि का है तीसरा दिन, और मेरा तीसरे दिन का थर्ड डे का एक्सपीरियंस मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक एनर्जी टचवुड बनी हुई है, और चाय मैंने पी ली, खाली खाली चाय अब लगने लगी है जैसे, लेकिन बस ठीक है। फिर उसके बाद काम में लग जाओ, फिर पता नहीं चलता। और फिलहाल काम में थोड़ा बहुत किचन में वही अपना फ्रूट्स वोट्स वगैरह काट के एक बॉक्स में करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किचन थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है। फिर उसके बाद फिर इन लोगों का खाना बनने लगेगा। आज छुट्टी है, लोग घर पर हैं, तो सारा दिन कुछ ना कुछ चरेंगे। तो पहले मैं वो अपना व्रत वाला मतलब करके एक साइड में कर देना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तो फ्रूट्स भी काट लूँ, और पंडित जी भी फिर आते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज जैसे येलो कलर का है, तो आज मैंने येलो डाला। पुराना सूट है आप लोगों सॉरी पहले भी देखा होगा, और थर्सडे भी है, तो दोनों ही दिनों का, दोनों ही चीज़ों का आज प्रॉब्लम हो गया। घर क्लीन हो चुका है। आज मैं थोड़ा देर उसको जल्दी बुला लिया था, उसने जल्दी काम कर दिया, और मैं थोड़ा सा देर से आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस इतना अब वेट है तो पंडित जी का। तो जब तक पंडित जी नहीं आ रहे, तो सोचूं मैं किचन में थोड़ा बहुत अपना काम हम कर लूं और ठीक ठाक कर लूं, और उनकी सब तैयारी कर दूं, क्योंकि उनको जो जो चीज़ें चाहिए होती ना चढ़ाने के लिए, फल प्रसाद में देने, प्रसाद में देने के लिए मीठा, वो सब वहाँ पर रखाती हूँ। और वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि एक हाथ से काम करो, एक हाथ से वीडियो करो, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। लोगों से मैं ऐसे भी नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा वीडियो बनाओ, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं। तो खुद से जब तक मन ना हो ना, आप किसी को नहीं, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो मुंह बने किसी का, तो इससे अच्छा मैं बोलती नहीं हूँ, मैं अपने से ही करती हूँ। तो उसकी वजह से कुछ कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो नहीं बन पाते, मैं अकेले नहीं जो कर पाती हूँ। तो काम करके फिर मिलती हूँ जब पंडित जी आते हैं। पंडित जी आ चुके हैं, वो स्टार्ट कर दिए हैं अपना पाठ करना, और मेरी इधर सब्जी चढ़ी हुई है। खैर, उसे मैं बंद कर देती हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। पंडित जी तो गए, आप लोगों ने देख लिया, आरती पूजा पाठ सब हो गया, हम लोग को प्रसाद भी मिल गया है। और पाठ के बाद ही मैं क्या बोलते हैं, पाठ हो जाता है, उसके बाद ही मैंने अपना फ्रूट्स भी जो काटा हुआ था सवेरे वो ले लिया है। अब बैठ रही हूँ खाने, प्रसाद में बर्फ़ी मिली है वो भी खा लूँगी, क्योंकि सब मैं भोग ऐसे ही लगाती हूँ जो मैं खा सकूँ। छेने वेने वगैरह का नहीं लाती, एक तो वो गीला गीला होता है, तो बर्फ़ी खोए की ही लाती हूँ, पेड़ा खोए का, तो वो सब खा लेती हूँ। और ये लोग अभी निकले हैं, आज छुट्टी थी तो इसका एक इंजेक्शन बाकी था, 17 ईयर जो भी है, एक इसका कुछ था, टी बूस्टर क्या समथिंग है, जो 16 ईयर्स में लगता है, बहुत दिनों से टल रहा था, तो आज अब छुट्टी है, तो मैंने कोशिश तो मैंने की थी कि कल भी मैं लगवा दूँ रात में, ताकि छुट्टी का नेक्स्ट डे कुछ भी अगर थोड़ा सा फीवरिश या कुछ भी होता है तो वो ना हो, लेकिन कल रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आज अभी भेजा है। पंडित जी करके पूजा गए, फिर उसके बाद हमने कहा कि अब आरती हो गई है, अब तुम लोग जाओ। तो और यहीं पर उनका घर है, उनका एक्चुअली वो डॉक्टर तो KGMU में बैठते हैं, बट उनका घर मेरे ही घर के पास में है, तो मैंने उनको भेजा है, उनसे बात कर ली थी, तो बोले हाँ ठीक है, अब मैं लगा दूँगा।
तो वो मैनेज हो जाएगा, वो लोगों को इसलिए भेजा है कि भाई जाके लगवा के आओ, बहुत दिनों से टल रहा है, वो 16 से 17 ईयर्स हो जाए इससे पहले लगवा लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो वही लगवाने गई है, आती है, फिर इन लोगों को खाना पीना भी कराना है, तो मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, आज मैं गई थी अपना टीटी बूस्टर लगवाने, 16 साल की होता है, खैर मैं 17 की हो गई लेकिन अब लगवा लिया, इसी हाथ पे लगवाई, इसी हाथ पे कैमरा है। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा, बट बोले कि अगर कुछ हो तो पैरासिटामोल खा लेना। मैं जा रही हूँ घर, देखते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मेरे बाल नहीं बन रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आज ऑयली ऑयली हो रहा है। और आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने अपना सेकंड फ्रेम लगा लिया है, जो कि ये बहुत ज़्यादा कैट आई टाइप का है, और मुझे इससे अच्छा कोई भी देखो ऑप्शन वहाँ नहीं मिला। बट थोड़ा सा लूज लग रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा कल परसों में एक बार फिर से। मैंने उसे बोला भी था कि टाइट कर दो, मेरे को लूज है। वो गई टाइट करके लाई, फिर बोली आप ट्राई करोगे? मैंने कहा कि नहीं, रहने दो, ठीक है, कह रही हो तो हो गया होगा, बस मैंने मान लिया और रख लिया। बट अब मैं देख रही हूँ कि मुझे वहीं पर ट्राई कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब ये बहुत लूज है, ये देखो गिर रहा है। तो ये लोग ना ऐसे ही कभी कभी काम कर देते हैं। चलो ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी हूँ, मैं निकल रही हूँ बाहर, क्योंकि वही आईफोन का काम कराने जा रही हूँ, जो स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था तो वो कराने जा रही हूँ, और मंदिर भी होते हुए तब वैसे ही आऊँगी। बज गए हैं 4:30, तब कितने बजे वापस आऊँगी कुछ पता नहीं है। मिलती हूँ आप लोगों से बाहर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जहाँ हम लोग को आना था, ये है शालीमार गेटवे मॉल। ये पहली बार ही हम लोग आए हैं, ये भी इसीलिए आए हैं क्योंकि जो मतलब जिसने मेरे को ये आईफोन मतलब जिसने ये बेचा था, मतलब सेकेंड हैंड नहीं बेचा था, जो भी था ख़रीदा था, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, वो यहाँ आ गया है। पहले वो प्लासियो मॉल में था, पर अब वो यहाँ पर मिलेगा, तो उसी से मैंने बात करी थी कि क्या मेरे को हेल्प कर दोगे, तो वो यहीं पर मुझे मिलने वाला है। तो बहुत शोर हो रहा है यार, तो उसी से मिलने आई हूँ, उसी को दिखाऊंगी कि ये स्पेस का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। पता नहीं है वो ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, अब जब देखते हैं मिलते हैं तब। और वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि यही फ़ोन पे तो काम होगा, चार्जर भी लेके आई हूँ कि इनकेस अगर चार्जर लगा तो इसलिए, और अगर हो गया तो बेटी के फ़ोन से वीडियो बना लूँगी, क्योंकि ये तो उसको देना पड़ेगा, वो देखेगा चेक करेगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से, फिर मॉल में अगर अंदर गई तो आप लोगों को दिखा दूँगी कि मॉल कैसा है क्या है, और नहीं गई तो फिर कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स, इससे सिंपल क्या ही हो सकता। ये प्राइस नहीं बता, और इसमें -6000 करेंगे तो 74000 रुपये पड़ेगा। ये 6000 की चीज़ का बात कर रहे हैं। तो गाइस मेरे फ़ोन का काम फाइनली हो चुका है, और जितना मैं डर रही थी कुछ हो ना जाए मेरे चैनल में ये वो, लेकिन बड़ हो गया, और स्पेस पूरी 95% खाली हो चुकी है। अब मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ, फोटोज बनाऊँ, कुछ भी गैलरी में रखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत दिनों के बाद ये प्रॉब्लम जाके अब जाके सॉल्व हुई है। तो ये देखा गया है कि जब तक मतलब आप लगो नहीं ना, तब तक आपका काम नहीं होगा। चलो फिलहाल तो हो गया, अब ये थोड़ा बहुत घूम लेते हैं फिर चलते हैं।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आज तीसरे मंदिर में, और आपने देख लिया होगा सारे भगवानों का मैंने आप लोगों को एस्थेटिक करके दिखाई दिया है, और दिया मैंने चला ली, सब कुछ हो गया, फोन का भी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी चलो चलते हैं। जय बाबा जी। आप लोगों के लिए भी मैंने प्रार्थना कर ली है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे आए हुए। मैंने लोगों को खाना भी खिला दिया, किचन एकदम साफ कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, चेंज अभी नहीं किया क्योंकि अभी मेरा 10 बजे लाइव होता है, और भगवान को भी भोग सब लगा दिया। मैंने भी अपना व्रत वाला जो खाना होता है खा लिया, और भगवान को भी भोग लगा दिया है, उनको बस अब सुलाना बाकी है, ये रहा। और आज थोड़ी थोड़ी हमारी जय में दर्शन भी दिए हैं, बट सॉरी दिन के टाइम मैं आपको कल अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम मैंने देखा तो उस समय फिर इतना वो नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था, और कल बिल्कुल आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, जय ने दर्शन दे दिए। अगर आप ध्यान से अभी भी देखना चाहो, अगर दिख सकती है तो आप लोग देख लो, मैं दिखा रही हूँ, देखो दर्शन दे दिए हैं माता रानी ने, तो इसी बात पर जयकारा लगा दो, जय माता दी। तो खैर इधर का सब काम निपटा दिया, सब कुछ कर दिया, बस एक भगवान को सुलाना है और कुछ नहीं है। बाकी मेरे लाइव का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सब काम हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आज का तीसरा दिन भी भगवान की दया से बहुत अच्छे से निपट गया है। नया फ्रेम मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करते तो नहीं होने के, मेरा काम है, मेरा धर्म है पूछना, तो मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी लग रहा है क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो अभी तक मैं छोटे छोटे पहने थे, लेकिन वो जो जिस टाइप का मुझे बनवाना था ना, तो उसने कहा कि वो इसी फ्रेम में बन सकता है, इससे छोटे में नहीं बन सकता। बड़ी प्रॉब्लम है यार लाइफ में। खैर जो भी है, और मंदिर भी आज हुआ ही, आज तीसरे आपको मंदिर दिखाया है, तो ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, पहले में मैं जा चुकी हूँ और अभी भी जाती रहती हूँ, थक बहुत गई हूँ आज। चलो बैठ के बात करते हैं। खैर मैं इधर देख रही हूँ कि बहुत पहले मैं इतना मंदिर नहीं जा पाती थी, बट जब से ये अयोध्या और इन सब में भीड़ भड़ा के मैं जा रही हूँ ना, पहली वाले तो जो फर्स्ट टाइम जब मैं अयोध्या गई थी तो मैं तो दर्शन करने जा भी नहीं पाई थी, भीड़ देख के ही मेरा तो ना दिमाग ख़राब हो गया था, मैं एक कोने में ही खड़ी हो गई थी जहाँ पे एकदम स्पेस स्पेस रहता है, लेकिन तब भी वहाँ पे भी इतनी भीड़ आ गई थी कि लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे को एकदम घबराहट हुई, और गर्मी के मारे या जो भी वो स्पेस नहीं होता ना, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है, मैं बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के जैसे लोग एकदम मेट्रो में बस में, मैं वो सब नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो वही चीज़ वहाँ पे हो गई थी कि एकदम से लोगों ने एकदम से घेरा घारा और मेरे को एकदम से सर घूमा, मेरा ब्लैकआउट हो गया था, मैं बिल्कुल मतलब ये लोग बता रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं, एक जैसे ही बस मैंने बोला कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और लास्ट मुझे बस इतना ही याद है, और फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरे को मतलब पकड़ा क्या किया, जिस वजह से इन लोगों को भी चोट लगी थी, क्योंकि क्या होता है ना जब आप सेंस से बाहर होते हो फिर आपका लोड आपका वजन पूरा का पूरा उस सामने वाले के पास आ जाता है जो संभाल रहा होता है, तो पूरा वेट मेरा उनके ऊपर हो गया था, तो जिसकी वजह से उनको भी थोड़ी सी लगी थी, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। लेकिन 5 से 7 मिनट तक मैं आउट थी बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने मेरे को पानी पिलाया, हम लोग के पास पानी भी नहीं था क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं था। हाँ लेकिन सब ये सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत ख़राब हो सकती थी उस दिन, लेकिन भगवान के दर पे थे इसलिए बच गए। क्या थी वो, ये दोनों बोले कि मैं हम लोग दर्शन कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम यहाँ जगह पे करो। मैंने कहा ठीक है, मेरी वजह से तुम लोग क्यों खराब करो अपना मूड, आप लोग जाओ कर लो। तो हम लोग ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग भीड़ में जाओ, मैं एक खाली जगह पकड़ के वहाँ पे खड़ी हूँ, और बैठने की जगह मिल जाएगी तो बैठ जाऊँगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, जब तुम हो तो फिर लॉकर में 1.5 घंटे की वहाँ पे वेटिंग चल रही है, तो फ़ोन तुम ही रख लो सारे। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास मेरा आईफोन, इनका एक सैमसंग और बेटी का एक सैमसंग, तो सब हमको पकड़ा दिए। मैंने कहा ठीक है मैं पकड़ी रहती हूँ, बट ये लोग जब लाइन में लगे ना तो 5-10 मिनट बाद ये लोग भी लाइन से हटके आ गए, क्योंकि वहाँ पे गार्ड लोगों ने बोला कि आप इधर से दर्शन, मतलब इन लोगों ने पूछ लिया कि हम लोग इधर से दर्शन करके जाएंगे लेकिन वापस मुझे आना है, तो बोले नहीं नहीं वापस वापस नहीं आना, कोई सामान है तो वो बाहर से मिल जाएगा। बोले सामान नहीं है, हमारे एक लोग हैं, मतलब मेरे लिए बोल रहे थे कि उनको वहाँ से लेना है,
बोले वो नहीं आ पाएंगी, उनको बोलो अपने से या तो आए। तो बोले कैसे बोलेंगे, फोन भी नहीं है, वो वहीं खड़ी रहेंगी। हाँ मैं वहीं खड़ी रहती हूँ भाई, मैं वेट कर रही थी। और ये लोग ये सुन के ये लोग वापस आ गए कि बेकार में अंदर नहीं जाते, क्योंकि जब हम वापस ही नहीं आ पाएंगे तो हम अंदर क्यों जाए। तो ये लोग ये बात सुनते ही वापस आ गए। वापस जैसे ही मेरे पास आए, तब तक मैं ठीक थी, जैसे ही सॉरी वापस आए हैं उसी के एक या दो मिनट बाद ही ऐसा कांड हुआ है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे इन लोगों के वापस आने और मेरे बेहोश होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का फर्क था। अगर ये लोग नहीं आए होते और मैं बेहोश हो जाती, तीन तीन फोन, मतलब मेरा सोचो आईफोन कोई ना कोई तो मेरे हाथ से ले जाता, क्योंकि मैं तो सेंस में नहीं थी, मैं तो बेहोश हो चुकी थी, मैं बिल्कुल आउट थी। कोई अगर मुझे देखता भी, उठाता भी, बाद में उठाता, या कोई उठाता लेकिन कोई फोन उठाता। तो उस दिन ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया। अगर ये लोग वापस नहीं आए होते ना, तो आज ये जिस फोन पे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये नहीं होता। तो और इसी में मेरा सब कुछ है, सब पासवर्ड्स वगैरह भी है, मेरा आधार कार्ड भी है, मेरा पेटीएम भी इसी से चलता है, नेट बैंकिंग भी, मतलब सब कुछ ही है इसमें। मेरा चैनल भी है, दो दो चैनल है मेरे, सबके पासवर्ड वगैरह है, सब कुछ है। मतलब चीछा लेथन हो जाती मेरी उस दिन। खैर भगवान की दया से भगवान के मंदिर में थी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो कुछ महीने पहले का अगर ब्लॉग आप लोग देखोगे तो मैंने इसमें बताया था कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया में मंदिर नहीं जा पाती, बट इस शिवरात्रि से मैंने एक प्रण लिया था। मैंने ब्लॉग भी बनाया था कि मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप ना इस चीज़ से उभरोगी तभी जब इस चीज़ पे उतरोगी। तो मैंने वो चीज़ को मतलब समझा कि आप भीड़ से डरती हो तो भीड़ में जाओ, आपका डर निकलेगा, मतलब ये था। तो शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर गई, थोड़ी कम भीड़ वाले मंदिर में गई, एकदम से वैसे वाले में नहीं गई, तो लेकिन मैं चली गई। फिर उसके बाद अयोध्या गई, फिर दोबारा से फिर अयोध्या गई, फिर बनारस गई, फिर वृंदावन गई, और हर जगह जबरदस्त भीड़। ऐसे फंसी थी, ऐसे फंसी थी, लेकिन बस भगवान का नाम लेती जा रही थी और दर्शन करती जा रही थी। तो ये सब ताकत मुझे आप ही लोगों की वजह से मिली है, अदरवाइज मैं अगर आप लोग नहीं कहते मैं ट्राई नहीं करती। मैं सच बता रही हूँ, मैं ट्राई नहीं करती। मैं इतने सालों से नहीं जा रही थी कि मैं भीड़ वाले दिन नहीं जाती। जैसे महाशिवरात्रि है उस दिन ही जाती, उसके अगले दिन या पहले हो आती हूँ। जन्माष्टमी है तो उसके पहले हो आऊँगी, बाद में हो आऊँगी, उस दिन नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मुझे भीड़ देखते ही जैसे घबरा एंग्जाइटी जैसे मतलब जी घबराने लगता है मेरा। खैर फिलहाल तो अभी उस चीज़ से उभर रही हूँ, सब आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। तो वही मैं सोची थी आप लोगों के संग शेयर ज़रूर करूँगी एक दिन। तो थैंक यू सो मच इस बात के लिए, जिस जिसने भी मेरे को कमेंट किया था, और जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट करते मुझे, इतना सपोर्ट करते। अदरवाइज मैंने मुझे लगता था कि मैं कब का चैनल छोड़ चुकी होती, चैनल मेरा बंद हो गया होता अगर मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला होता। और किसी का तो यही है मेरे ऊपर कि मैं चैनल बंद ना करूं और चैनल को कंटिन्यू रखूं, किसी से मेरा वादा भी है, तो वो चीज़ भी मेरा मुझे पूरा करना ही करना है हर हाल में। तो बस इतना ही कहना था। चलिए ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, और मिलती हूँ आपसे कल। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।